बिशप जिनकी गवाही है, इनकी पत्नी को एक साल से बच्चेदानी में गांठ थी। उन्होंने दो महीने दवाइयां ली पर कोई आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर इनकी पत्नी ने चमत्कार चर्च में आकर 28 दिन पहले प्रार्थना करवाई थी। उस प्रार्थना के 20 दिन बाद वो गांठ बाहर निकल गई। अब इनकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, वह सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं रिको से आता हूँ। मेरी पत्नी के एक साल से गांठ थी और मैं डॉक्टर से दो महीने दवाई ली। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज ऑपरेशन कराने से बगैर ये नहीं जाएगी और दवाइयाँ चाहे खाते रहो आप। तो 28 दिन पहले पास्टर जी से प्रार्थना कराई थी और उसके 20 दिन बाद मतलब रसोली अपने आप गिर गई। इतनी बड़ी गांठ थी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आपकी पत्नी को एक साल से बच्चेदानी में गांठ थी और आपने रिपोर्टें करवाई और रिपोर्टों में उन्होंने बताया था गांठ है। दो तीन बार अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें इतनी बड़ी गांठ आई थी। अच्छा, उसमें कितनी बड़ी आती थी? इतनी बड़ी गांठ आई। अच्छा, इतनी बड़ी गांठ आती थी। और उसके बाद आपने यहाँ पर 28 दिन पहले बिशप जी से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करवाई। पहले दवाई ले रहे थे, दो महीने तक डॉक्टर को दिखाया मैंने पहले साल पहले, तो दो महीने दवाई खाई थी। डॉक्टर कहता इसका इलाज ऑपरेशन ही है और दवाइयों से ये नहीं जाती, इतनी बड़ी गांठ दवाइयों से नहीं खुलती। और 20 दिन पहले 28 दिन पहले पास्टर जी से प्रार्थना कराई थी और 20 दिन हो गए, मतलब आज 8 दिन हो गए गांठ गिरी को, 28 दिन हो गए पूरे प्रार्थना कराई को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। तो जब आपने प्रार्थना कराई और उसके बाद वो गांठ बाहर निकल गई? हाँ, पेशाब के जरिए, जैसे लेडीज को महीना होता है, हाँ जी, उसके मतलब महीने लास्ट दिन में वो गांठ अपने आप गिर गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी बड़ी गवाही है, जो बच्चेदानी में गांठ थी इन्होंने रिपोर्टें करवाई। डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इनका विश्वास था। ये परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। 28 दिन पहले आए थे और उसके बाद 20 दिन बाद वो जो गांठ थी वो बच्चेदानी से बाहर निकल गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते, हालेलुया, तारीफ करते उस महान परमेश्वर, उस जीवते परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो जीसस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे जन अपने स्वर्ग की ओर हाथ उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद जीसस, अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर ऑपरेशन हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब ये यहाँ आए तो इन्होंने अपने हाथ, इसकी पत्नी ने, इस साइड पर ही थे, अपने हाथ में वो लिया था पेज जिसपे लिखा हुआ था कि बच्चेदानी में गांठ है। तो मैंने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह से विनती की और देखिए उसके 20 दिन के अंदर, 20वें दिन लगभग, आज 8 दिन हो गए इस बात को, वो गांठ बाहर निकल गई। और वो जितना बड़ा हाथ कर रहे हैं ना, ऐसे हाथ कर रहे हैं, मुझे तो वैसे डर लग रहा है ऐसा हाथ करते ही, इतना बड़ा हाथ कर रहे हैं। हम लोग किसी प्रार्थना में थे किसी दूसरे शहर में, तो ये वहां पर अपनी पत्नी को लेकर आए हुए थे प्रार्थना में, तो वो बता रही थी, कहती इतनी बड़ी गांठ थी मेरे, वो गांठ बाहर निकल गई। ये चिन्ह चमत्कार को करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं ये, पहले हमारे एक शहर के अंदर बड़ी मीटिंग थी, तो जो विरोधी थे वो कहते थे इन्होंने अपना बंदे को, एक एक बंदे को 30-30 हजार दिया हुआ और 30 हजार का बीच में बैठा दिया, और उनमें से एक एक जन उठकर कहता हाँ मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। और कुछ लोग अभी कुछ वीडियो चलती हैं, कुछ लोग कहते हैं जो पानी देते हैं ना प्रार्थना वाला, उस बोतल के अंदर इन्होंने पैरासिटामोल की गोली घोल दी होती है
और जिसको बुखार होता है वो पानी पिलाते हैं बुखार उतर जाता है। मैंने कहा पहली बात तो यह है कि हमारे प्रार्थना वाला पानी सील बंद होता है, बिस्लेरी का सीधा कंपनी से आता है, हम लोग प्रार्थना उस पर जरूर करते हैं, सील बंद होता है और हम लोग उसको खोलते नहीं है सील को। दूसरी बात यह है कि पैरासिटामोल के पानी से बुखार तो उतर गया और पैरासिटामोल की गोली से गांठ कैसे बाहर निकलगी फिर तो ये आसान है, जैसे कि गांठ हो पैरासिटामोल की दो उसको गोली हो बाहर निकल जाए गांठ। ये चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो जीवित है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बड़ी गुवाही के लिए फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें।